चना का कट्टा ये। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे फार्मिंग क्लब में। तो अभी चना और धनिया की बुवाई की तैयारी चल रही है, इसके बाद बीज डाला जाएगा। तो उससे पहले ज़मीन तैयार कर रहे हैं अभी, इसमें खाद वाद सब डाला जाएगा। मिट्टी को आप देख सकते हैं कितना बारीक किया जा रहा है, क्योंकि तो इसमें चना और धनिया के लिए जो है भुरभुरा मिट्टी चाहिए। थोड़ा सा खेत में नमी भी अभी भी है, क्योंकि धान की कटाई भी जस्ट हुआ है और चाचा जी ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं। रोटावेटर मार रहे अभी दवाई बोटी के। सबसे पहले DAP मारेंगे खेत पे, ताकि उर्वरक क्षमता अच्छा से बन जाए खेत का। उसके बाद बीज को छिड़काव करेंगे, फिर बीज को दबाने के लिए और एक बार दतारी मारेंगे। तो अभी खाद डाला जा रहा है, ताकि इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाए और प्रोडक्शन अच्छे से मिले अपने को। इसके बाद बीज डालेंगे चने के बीज। ये लगभग 25-25 किलो का एक बैग है, दो बैग अपन चार खेत में डालने वाले हैं। क्वालिटी देख सकते हो बीज का, A1 क्वालिटी है। और अब हो रहा है स्टार्ट। चना की क्वालिटी देख सकते हो, A1 क्वालिटी क्या है। मैं जब बीज डल जाएगा, उसके बाद दतारी करके इस बीज को दबाया जाएगा, ताकि अच्छे से ये अंकुरित हो पाए और चिड़िया इसे ना खा पाए। तो ये होता है सिस्टम खेती करने का, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ताकि अच्छे से आपको प्रोडक्शन मिल सके। गणेश नहीं है का? अब दतारी मारा जा रहा है, ताकि जो बीज डला है वो अंदर दब जाए और अंकुरित हो अच्छे से। इससे एक फायदा ये भी होता है कि जो चिड़िया होते हैं उससे बीज बच जाता है। ये है अपना ट्रैक्टर कुबोटा, इसको लिए हुए सिर्फ अभी 1-1.5 साल ही हुआ है, और ये अपने खेती में बहुत बड़ा सहायक है, किसान मित्र ट्रैक्टर। पहले क्या होता था, हल का उपयोग करते थे, और ये बताया था नदारी क्या है, बीज को ढकने के लिए इसी का उपयोग करते हैं, ताकि बीज ख़राब ना हो। और ये मिट्टी जो चीड़ा चीड़ा रहता है, मिट्टी अपने यहाँ की मिट्टी क्या है, थोड़ा सा एकदम काला मिट्टी है और चीड़ा इसका बहुत ही हार्ड होता है। तो इस मिट्टी को थोड़ा सा छोटे छोटे बारीक टुकड़ में तोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसे बोलते हैं रोटावेटर। तो अब इस बीज में पानी डाला जा रहा है, मतलब खेत में। इसमें पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाला जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से बीज में अंकुरण नहीं होता है और बीज सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब खेत में पूरा कम मात्रा में पानी डाला जाएगा, क्योंकि अभी फसल की कटाई हुआ है धान की, तो फिर खेत में नमी बना हुआ है, तो कम मात्रा में पानी की आवश्यकता है। और इधर भी तैयारी चल रहा है खेत में, इसमें भी बुआई होगा लगभग एक हफ्ते के अंतराल में, कि एक साथ डाल देंगे बीज, तो फिर फसल की कटाई के टाइम दिक्कत हो जाता है, एक साथ हो जाते। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो पे, एक हफ्ते बाद व्लॉग डालेंगे कि पौधे का ग्रोथ क्या है। तो मिलते हैं एक हफ्ते बाद।